ओलंपिक में पदक के चूकने के बाद विनेश फोगाट अब सियासी अखाड़े में दांव आजमाने के लिए कूद पड़ी हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हमलावर रुख अपना लिया है। कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख ने विनेश फोगाट पर खेलों में भाग लेने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि फोगाट पदक इसलिए नहीं जीत सकी क्योंकि भगवान ने उन्हें दंडित किया। आपको बता दें कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ फोगाट ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि मैं विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई खिलाड़ी एक दिन में दो बार श्रेणियों में ट्रायल दे सकता है? क्या वजन के बाद ट्रायल को 5 घंटे के लिए रोका जा सकता है? आप कुश्ती नहीं जीती, आप धोखाधड़ी करके वहां गई, भगवान ने आपको इसलिए दंडित कर दिया। उनकी टिप्पणी कांग्रेस द्वारा फोगाट को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जुलाना से उम्मीदवार बनाए जाने के एक दिन बाद आई। भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि बजरंग पुनिया ने ट्रायल पूरे किए बिना एशियाई खेलों में भाग लिया। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है, जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है, उन वो लड़ाई लड़ने के तैयार है सड़क से लेकर संसद तक। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि खेल में क्षेत्र में हरियाणा भारत का मुकुट है और उन्होंने लगभग 2.5 साल तक कुश्ती गतिविधियों को रोक दिया। क्या सच नहीं है कि बजरंग बिना ट्रायल के एशियाई खेलों में चले गए? मैं कुश्ती के विशेषज्ञों से पूछना चाहूँगा। पिछले साल बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों के विरोध में सबसे आगे रहने वाले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल होकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी। विनेश फोगाट को चुनाव में उतारा गया जबकि पुनिया को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पहलवानों के खिलाफ अपने हमलों को जारी रखते हुए बृजभूषण सिंह ने आगे कहा कि अगर कोई बेटियों का अपमान करने के दोषी है तो वो बजरंग और विनेश है। दोनों ने इसकी पटकथा लिखी। भूपेंद्र हुड्डा भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो वह हरियाणा में भाजपा के प्रचार में जरूर शामिल होंगे। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा का कोई भी उम्मीदवार फोगाट को हरा देगा। हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए जो आज बीजेपी की IT सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे। फोगाट ने पार्टी में शामिल होने के बाद कहा था कि भाजपा के बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रही है, जबकि कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी पहलवानों का बहुत समर्थन किया। पुनिया ने भी फोगाट की बात दोहराते हुए कहा कि कांग्रेस उनके कठिन समय में उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने कहा भाजपा IET सेल आज जो कह रहे हैं कि वो ये है कि हम सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, हमसे सभी महिला भाजपा सांसदों को हमारे साथ खड़े होने के लिए लिखा था लेकिन वो नहीं आई। हम महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने की कीमत चुका रहे हैं लेकिन अब हम जानते हैं कि भाजपा जंतर मंतर पर महिलाओं के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ साथ खड़ी है और अन्य सभी दल हमारे साथ खड़े हैं। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि पहलवानों का विरोध कर रहे भाजपा को निशाना बनाने के लिए कांग्रेस की ये साजिश थी। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 4 इंडिया।